खुश रहना सीख लिया समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो और रोना तो लोग सिखाई देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना, जमाना उस मोड़ पर आ गया है जिससे इंसान के दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करे, कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ मेरे बिना दो चार लोग रोएंगे सिर्फ दो चार दिनों के लिए। जो बिना मतलब के बात करे ऐसे इंसान की तलाश से मुझे नींद भी नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचा रहे होते हैं। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा, पूरी जिंदगी क्या किया? मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने अवश्य आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रहे लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा देखा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ के लोग देखते हैं कुछ और है और होते कुछ और है ना। जाने क्यों इतनी दर्द होती है, ये मोहब्बत की एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को बुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूँ कि कोई तमाशा ना बने और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुमसे सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पे, इसलिए जिंदगी जैसी भी है जिसे हस्त खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? तो उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादव के साथ ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो के पास वाली का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे और ना खुद के रहोगे। भरोसा है एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है, आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब आप खुद को नहीं बदलोगे। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण ही रहती थी। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है, अब इसको घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी क्योंकि उसे बहुत प्यारा था नेवला। घर में पहले जैसी ही रहने लगा। ब्राह्मणी
अपने बेटे के साथ साथ उसने का भी पूरा ख्याल रख दी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पाली की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आता देखकर सतर्क हो गया। ने बोला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे इस काम के लिए देखें। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। यह देखकर बहुत ही घबरा गई। उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को लेके ऊपर जोर से पटक दिया और नेवला की वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोते हुए घर के अंदर भागे तो उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपनी भूल भाल ब्राह्मण या पछताने लगे कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आते जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचे समझे और फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ देर बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है और तब फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। दोस्तों, इस घड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।